questions. In this lecture, we will cover what is panel data. Panel data क्या होता है, किस type of data को panel data में use किया जाता है, panel data कहते हैं, उनका क्या nature होता है और कैसे panel data model एक construct किया जाता है. ये basic ideas जो हैं ये इस lecture में we are going to cover. So बिफोर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज़ पैनल डाटा, पैनल डाटा क्या होता है, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में या नेचर ऑफ द डाटा के बारे में कुछ हम लोग ब्रीफ में उसको पढ़ते हैं. टाइम सीरीज़, प्रोसेसनल, पूल्ड डाटा और पैनल डाटा, ये सारे क्या होते हैं इनके बारे में ब्रीफली जानते हैं, फिर हम लोग तब बेटर ये एनालाइज कर पाएंगे कि वॉट इज़ पैनल डाटा. देन वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड वॉट इज़ द नेचर ऑफ द पैनल डाटा, वॉट इज़ पैनल डाटा एंड हाउ इट इज़ यूज इन द इन इकोनोमेट्रिक्स, या कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं. दीज फोर टाइप्स ऑफ डाटा आई विल टेल यू, टाइम सीरीज, क्रॉस सेशनल, पूल्ड डाटा एंड पैनल डाटा. सो वॉट इज टाइम सीरीज डाटा, इफ द डाटा इज कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल अ प्राइस सीरीज डाटा, if it is collected at time period 1, time period 2, 3, 4, 5, 6 and so on up till time period t, at different points of time if the data is collected, then it is called as a time series data. Univariate series इसमें होती है. if path is modeled over time, अगर modeling path की over time होती है, then that is referred to as time series data. multivariate क्या होता है, several price series होती हैं उसमें, their individual as well as their कॉमन डायनेमिक्स इज मॉडल्ड. मल्टीवेरिएट टाइम में क्या होता है कि वहाँ पर सेवरल प्राइस सीरीज होती हैं जो कि टाइम के साथ उनकी मॉडलिंग की जाती है, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं. देन वॉट इज क्रॉस सेशनल डाटा, क्रॉस सेशनल डाटा आर ऑब्जर्व एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सेवरल इंडिविजुअल्स, कंट्रीज और एसेट एसेट्रा. अगर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे सेवरल इंडिविजुअल्स के, कंट्रीज़ के डाटा कलेक्ट होते हैं तो उसको क्रॉस सेशनल डाटा कहते हैं. फॉर यहाँ पे जो SI में I की वैल्यू है वो 1 to n वेरी करती है. द इंटरेस्ट लाइज इन मॉडलिंग द डिस्टिंक्शन ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल्स, सिंगल इंडिविजुअल्स का क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन क्या है, उसके बीच में मॉडलिंग होती है एंड द हेट्रोजेनिटी अक्रॉस इंडिविजुअल्स, और अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में क्या हेट्रोजेनिटी है उसको यहाँ पे मॉडल किया जाता है, या ऐसे नेचर ऑफ डाटा है, ऐसा डाटा को एनालाइज करने के लिए ये क्रॉस सेशनल डाटा हेल्पफुल होता है, इसको क्रॉस सेशनल डाटा कहा जाता है. ठीक, देन वॉट इज पूल्ड डाटा, पूल्ड डाटा आर ऑफ टू टाइप्स, पूल्ड क्रॉस सेशनल डाटा एंड पूल्ड टाइम सीरीज डाटा. सो वॉट इज पूल्ड क्रॉस सेशनल डाटा, मोस्टली दीज टाइप्स ऑफ डाटा अराइज इन सर्वेज वेयर पीपल आर आस्क्ड अबाउट डिफरेंट ओपिनियंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर एटीट्यूड टू पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे कि अगर किसी कोई सर्वे हो रहा है जहाँ की पीपल का एटीट्यूड हमको मेजर करना है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. दिस सर्वे इज रिपीटेड टी टाइम्स बिफोर इलेक्शन एवरी वीक, टी इज़ यूजली स्मॉल. ये सर्वे जो है ये कई बार इलेक्शन रिजल्ट के पहले इसको रिपीट किया जाएगा अगर, और टी टाइम पीरियड जो है वो यूजली स्मॉल होता है. सो हमारे सो वी हैव सेवरल क्रॉस सेशन, हमारे पास सेवरल क्रॉस सेशन यहाँ पे हो गया, बट द पर्संस आस्क्ड आर चूजन रैंडमली. यहाँ पे जो पर्सन जिनके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया वो रैंडमली चूज किए गए थे, और हार्डली एनी पर्सन ऑफ द वन क्रॉस सेशन इज मेंबर ऑफ द अनदर वन. और जो एक क्रॉस सेशन का डाटा किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट हुआ है और दूसरे क्रॉस सेशन का डाटा जो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट हुआ है उसमें जो पर्सन चूज हुए हैं यहाँ पे हमारे एग्जांपल में उनमें सिमिलरिटी नहीं होती है. क्रॉस सेशंस आर इंडिपेंडेंट, क्रॉस सेशंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. मींस पूल्ड क्रॉस सेशन डाटा में डिफरेंट क्रॉस सेशंस अराइज होते हैं, डिफरेंट क्रॉस सेशंस के बीच में इंडिपेंडेंस होती है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, और उनकी पूलिंग जब की जाती है देन वी गेट पूल्ड क्रॉस सेशंस डाटा. और इसका बेस्ट एग्जांपल है टू मेजर द एटीट्यूड टूअर्स द पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई सर्वे कंडक्ट हो रहा है, दिस सर्वे इज रिपीटेड टी टाइम्स बिफोर इलेक्शन एवरी वीक. देन वी हैव पूल्ड टाइम सीरीज डाटा, वी ऑब्जर्व रिटर्न सीरीज ऑफ सेवरल सेक्टर्स विच आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर
together with explanatory variables. The number of sectors n is usually small. यहाँ पे क्या होता है कि कई सीरीज़ टाइम सीरीज के साथ जो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उनको ये एज्यूम किया जाता है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और उनकी जब पूलिंग की जाती है देन वी हैव क्रॉस पूल्ड टाइम सीरीज डाटा. जब क्रॉस सेक्शनल डाटा की पूलिंग होती है देन वी हैव पूल्ड क्रॉस सेक्शनल डाटा. व्हेन टाइम सीरीज डाटा की पूलिंग होती है देन वी हैव पूल्ड टाइम सीरीज डाटा. देन व्हाट इज पैनल डाटा. अ पैनल डाटा सेट हैज बोथ अ क्रॉस सेक्शनल एंड अ टाइम सीरीज डायमेंशन. पैनल डाटा में क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज दोनों डायमेंशन होते हैं. वेयर ऑल क्रॉस सेक्शन यूनिट्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड. जहाँ पे कि क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स जो होती हैं दे आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग वेरियस टाइम पीरियड्स. जैसे SIT हमारा मॉडल है यहाँ पे I की वैल्यू जो है ये 1 to 1 to n वेरी करेगी. I 1 टू n वेरी करने का मीन्स यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डाटा का कंपोनेंट है और T जो है वो भी 1 टू T वेरी करेगा. 1 टू T वेरी करने का मीन्स ये इसमें टाइम सीरीज नेचर ऑफ डाटा इसमें कंपोनेंट है. मीन्स जो पैनल डाटा होता है उसमें क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डाटा दोनों का कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है. Then, why analyze panel data? We are interested in describing change over time of social change. अगर हम time के साथ कोई change को describe करना चाहते हैं then analyzing panel data is helpful or it is important. Example, changing attitude अगर हम measure करना चाहते हैं with the passage of the time, behaviors measure करना चाहते हैं, social relationships measure करना चाहते हैं, individual growth और development measure करना चाहते हैं, ये सारी जो analysis होगी जिसमें कि आप किसी social change को किसी social behavior को with the passage of the time measure करना चाहते हैं then there the panel data becomes helpful. What are the other names of panel data? It is also referred to as pooled data. Pooled data means pooling of time series and cross-sectional data. This we have seen earlier. Then longitudinal data, a study over time of a variable or a group of subject. Event history data analysis. Example, is studying the movement over time of subjects through successive stake or condition. Event, किसी event है, उसकी history analysis, उसकी history को एनालिसिस करना. तो ये पैनल डाटा का दूसरा नाम है. कोहर्ट एनालिसिस फॉलोइंग द कैरियर पाथ ऑफ 1965 ग्रेजुएट ऑफ अ बिजनेस स्कूल. ये सारे पैनल डाटा के और नाम हैं. व्हाट डज पैनल डाटा लुक लाइक. ईच ऑफ एन इंडिविजुअल डाटा इज मेजर्ड ऑन टी ओकेजन. सो एन इंडिविजुअल डाटा जो होता है यहाँ एन इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी जो है वो टाइम सीरीज कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ईच ऑफ द एन इंडिविजुअल्स डाटा इज मेजर्ड ऑन टी ओकेजन ऑन डिफरेंट ओकेजन. इंडिविजुअल्स में भी पीपल फर्म्स कंट्रीज एक्सेट्रा. इंडिविजुअल्स या क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या हो सकते हैं, पीपल फर्म्स कंट्रीज ये सारे हो सकते हैं. सम वेरिएबल्स चेंज ओवर टाइम फॉर टी इक्वल टू 1 टू टी. Some variable may be fixed over the time period such as gender, geographic location or a firm of a firm or a person's ethnic group. कुछ variables उसमें time के साथ change होते हैं, कुछ variables उसमें fixed होते हैं. So ये panel data का एक structure है. इसमें n individual data का component होता है, t time series data का component होता है, क्रॉस सेक्शनल डाटा का और टाइम सीरीज डाटा का कंपोनेंट होता है. और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे इस टेबल में देखिए कि हियर डाटा इज कलेक्टेड फॉर टाइम पीरियड. यहाँ पे दो टाइम पीरियड है, 2000 एंड 2020. 2000 के लिए डाटा कलेक्ट हुआ है और 2020 के लिए डाटा कलेक्ट हुआ है. एन की वैल्यू 4 है. एन की वैल्यू 4 मींस यहाँ पे 4 कंट्रीज़ का डाटा कलेक्ट हुआ है. ए बी सी डी और 4 कंट्रीज़ हैं जिसका डाटा 2000 में कलेक्ट हुआ है और सेम कंट्रीज़ ए बी सी डी का डाटा 2020 में कलेक्ट हुआ है. देन के इक्वल टू 4 मींस यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, S1 IT, S2 IT, 3 IT एंड 4 IT एंड सो ऑन. सो ये मेरे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं
और वाई आई टी जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर इंडिविजुअल आई एट टाइम टी। सो जब हम पैनल डाटा मॉडल कोई कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका नेचर कुछ, उसका जो जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें सेवरल टाइम पीरियड्स के लिए डाटा कलेक्ट होगा फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। यहाँ कंट्रीज़ जो हैं वो मेरी इंडिविजुअल्स कंट्रीज़ या क्रॉस सेक्शनल रिप्रेजेंट कर रही हैं। ईयर जो दो कंट्री दो टाइम पीरियड है वो मेरा टाइम सीरीज डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों की जब पूलिंग हो जाएगी, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, देन वी गेट पैनल डाटा। सो दिस टाइप ऑफ टेबल विल बी कंस्ट्रक्टेड, इस तरह का कुछ टेबल कंस्ट्रक्ट होगा जिसमें कि मेरे टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल डाटा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे इंक्लूडेड रहेंगे। दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट पैनल डाटा, इंट्रोडक्शन टू पैनल डाटा। थैंक यू।